अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो प्रिया और मैं भरपेट में की दबाकर अब कहीं ना रुकने की कसम खाकर देवप्रयाग की ओर निकले ही होते हैं कि हमें पेड़ों और पहाड़ों के बीच छिपे एक सस्पेंशन ब्रिज पर नजर जाता है। अब जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, वैसा ही सेम फीलिंग मेरे को इस ब्रिज को खोज कर आ रही थी। इस सस्पेंशन ब्रिज तक पहुंचने का रास्ता तो बड़ा ही सिंपल था, बट चढ़ने टाइम हमारी वाट लगने वाली थी, इसका अंदाजा मुझे इन खचरों को देखकर लग गया था। ऐसे इन खचरों का यूज ऊपर से नीचे सामान लाने में किया जा रहा था। थोड़ा ऑफ रोड और ऑन रोड ट्रैक कर हम फाइनली इस ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। इस ब्रिज के नीचे से बहने वाली नदी कोई आम नदी नहीं, पवित्र गंगा है। जय हो गंगा माता। अभी यहाँ की खूबसूरती और हवाओं में जो पॉजिटिविटी थी उसे फील करने के लिए आपको खुद ही चलकर आना होगा। वैसे तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ से जाने का मन नहीं था, बट तभी मुझे बाबा रणबीर का एक डायलॉग याद आ जाता है, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। अब हम यहाँ से निकल ही रहे होते हैं तभी लोकल आंटी ने हमें एक भारी भरकम टास्क दे दिया। अब आगे की स्टोरी नेक्स्ट ब्लॉग में।